सुप्रभात। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश अभी कोरोना महामारी से जूझ रहा है और पूरे देश में लॉकडाउन लगा है, जिसके कारण आप सभी का पढ़ाई बाधित है। आपका पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए मैंने ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप सभी को कंप्यूटर का बेसिक जानकारी दे दूँ, ताकि जब स्कूल पुनः खुले तो आप सभी का कोर्स पीछे ना रहें। यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की समस्या ना रहे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक बात का सलाह और देना चाहूँगा कि आप जब भी वीडियो देखें तो साथ में कलम और कॉपी अवश्य रखें और मुख्य टॉपिक को नोट करते जाएं। अगर वीडियो तेज चल रही है तो आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके भी नोट कर सकते हैं। और प्रत्येक वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, जिसे एक कॉपी में बनाकर भी लाना है। अगर पूरे वीडियो में आपको कहीं समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कॉल पर, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम कंप्यूटर के तीन टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला है डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर, दूसरा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, तीसरा यूजेज ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहला आता है कि डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर, यानी व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर एक विद्युत से चलने वाली उपकरण है। यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड प्रोसेस इट, इसका उपयोग हम लोग सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए और उसे संसाधित करने के लिए करते हैं। इट इज ए वर्ड, यह एक शब्द है, डिराइव्ड फ्रॉम ए वर्ड कंप्यूट व्हिच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसे कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है गणना करना। यानी कंप्यूटर का उपयोग हम लोग सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए करते हैं। कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है गणना करना। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर इज एज फॉलो, सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटेड, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलरली, यू फॉर यूज, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट, आर फॉर रिसर्च। कंप्यूटर का पूर्ण रूप निम्न अनुसार है। सामान्य तौर पर कॉमनली मीन्स सामान्य, ऑपरेटेड संचालित, मशीन पार्टिकुलरली विशेष रूप से, यूज प्रयुक्त या उपयोग, टेक्निकल तकनीकी, एजुकेशनल शैक्षणिक और इंटरटेनमेंट मनोरंजन, रिसर्च अनुसंधान। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, सामान्य रूप से संचालित मशीन विशेष रूप से तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग की जाती है। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, द यूज ऑफ कंप्यूटर वाज लिमिटेड, कंप्यूटर का उपयोग सीमित था। बट टुडे द कंप्यूटर हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, लेकिन आज कंप्यूटर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। With the help of computers, we can do different things. कंप्यूटर की मदद से हम अलग अलग काम कर सकते हैं। You can use your computer for many tasks, such as creating documents, calculations, entertainment and more. आप अपने कंप्यूटर का उपयोग कई कार्यों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि दस्तावेज बनाने के लिए,
जो कि हम एमएस वर्ड में बनाते हैं, नोटपैड में भी कर सकते हैं, गणना करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, मनोरंजन इंटरटेनमेंट के लिए, जैसे मूवी देखना हो, सॉन्ग सुनना हो, कोई भी वीडियो देखना हो, गेम खेलना हो, और भी बहुत कुछ हम कंप्यूटर के का हेल्प ले करके कंप्यूटर के मदद से कर सकते हैं। यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का उपयोग क्या है, हम कहाँ कहाँ कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, किस किस जगह पर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहला सर्चिंग इन्फॉर्मेशन, किसी भी प्रकार का जानकारी लेना हो, खोजना हो, तो हम कंप्यूटर के माध्यम से खोज सकते हैं। विथ द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर यू कैन सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन द डिजायर्ड टॉपिक। विथ द हेल्प ऑफ द इंटरनेट वी कैन फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक्स एंड गेट नॉलेज अबाउट इट। खोज संबंधित जानकारी, किसी भी चीज़ के बारे में हम कंप्यूटर के मदद से सर्च कर सकते हैं। कंप्यूटर की सहायता से आप अवांछित, जिसे कि आप नहीं जान रहे हैं, विषय पर जानकारी खोज सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से हम विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का टॉपिक हो, किसी भी प्रकार का हो, हम सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिस वर्क, कार्यालय में का कार्य। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क कैन बी डन बाय कंप्यूटर यूजर्स विथ द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार का कार्य कंप्यूटर उपयोगकर्ता कर सकते हैं। एग्जाम्पल, क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट इन वर्ड, जैसे वर्ड में एक दस्तावेज बनाना। परफॉर्मिंग वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन इन एक्सेल, एक्सेल में विभिन्न गणितीय कार्यों को करना। क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन फॉर मीटिंग ETC, बैठक के लिए प्रस्तुतियां बनाना इत्यादि। जैसे हम लोग एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक्सेल में मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, मैथमेटिकल संबंधित मैथ का गणना करते हैं, और पावर पॉइंट में अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं, अपना प्रस्तुति बनाते हैं। बैंक वर्क, विथ द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर वी कैन डू वेरियस टास्क ऑफ द बैंक। बैंक का कार्य, कंप्यूटर की मदद से हम बैंक के विभिन्न कार्यों को कर सकते हैं, सच एज, जैसे कि चेकिंग द बैलेंस, बैलेंस की जांच करना, ट्रांसफ़र मनी टू अनदर अकाउंट्स, दूसरे के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना, यूज ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ETC, डेबिट कार्ड का उपयोग, क्रेडिट कार्ड का उपयोग इत्यादि। जैसे हम बैंक जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, भाई हमें बैलेंस जांच करवाना है, कंप्यूटर की सहायता से मेरा बैलेंस तुरंत चेक हो जाता है। दूसरे के खाते में किसी को रुपया का अचानक से आवश्यकता आ गया तो क्या करेंगे, अगर मान लो वो 200 किलोमीटर दूर है तो हम उसे रुपया देने के लिए तो नहीं जा सकते हैं, हम क्या करेंगे, ठीक है हम अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो कंप्यूटर के माध्यम से हम दूसरे के खाते में अपना पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग भी हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से ही करते हैं। ऑनलाइन रिजर्वेशन, ऑनलाइन आरक्षण। इफ़ यू वांट टू ट्रेवल समवेयर, अगर आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं, यू कैन डू द ऑनलाइन रिजर्वेशन ऑफ बस, ट्रेन, प्लेन विथ द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर। तो आप कंप्यूटर की मदद से बस, ट्रेन, प्लेन का ऑनलाइन आरक्षण कर सकते हैं, यानी घर बैठे अपने सीट का बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, इस फोटो से आप लोग परिचित होंगे, यह किस चीज़ का लोगो है पता ही होगा आप लोग को,
हम किसी चीज़ का प्रचार नहीं कर रहे हैं जो उसका नाम लेंगे, लेकिन लोगों के बारे में आप लोगों को पता होगा। तो ऑनलाइन शॉपिंग इज वेरी पॉपुलर नाउडे फॉर परचेजिंग वेरियस आइटम्स। ऑनलाइन शॉपिंग, विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी के लिए आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत लोकप्रिय है। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स वी कैन शॉप ऑनलाइन फॉर वेरियस थिंग्स। कंप्यूटर की मदद से हम विभिन्न चीज़ों के लिए ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। हमें किसी चीज़ की खरीदारी करनी हो और हम चाहते हैं कि बाहर भी ना जाएं, तो इसका सबसे अच्छा साधन ऑनलाइन शॉपिंग ही हो सकता है। हम घर बैठे किसी भी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं। पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली बिल का भुगतान। पहले हम लोग क्या करते थे, बिजली बिल जमा करने के लिए जो बिजली का हम उपयोग कर रहे हैं उसका जो बिल होता है वो जमा करने के लिए हमें बिजली ऑफिस जाना पड़ता था, बिजली ऑफिस जाकर कर सकता था सकते थे। लेकिन विथ द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर यू कैन पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन। कंप्यूटर की मदद से आप अपने बिजली के बिल का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब आप अपने घर बैठे बिजली का बिल भी भर सकते हैं। चैटिंग विथ फ्रेंड्स, यू कैन यूज ए कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विथ योर फ्रेंड्स। दोस्तों के साथ चैटिंग, आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। विथ द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की मदद से वी कैन सेंड एन ईमेल मैसेज टू ए फ्रेंड्स। हम एक दोस्त को एक ईमेल संदेश भेज सकते हैं। और यू कैन इंटरेक्ट फेस टू फेस विथ वीडियो कॉल, या आप वीडियो कॉल के साथ आमने सामने बातचीत कर सकते हैं। जैसे हम लोग अनेकों ऐप का यूज करते हैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को मैसेज करने के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को मैसेज करने के लिए, या फिर वीडियो कॉल के माध्यम से फेस टू फेस बातचीत भी करते हैं।